हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। सामने आप चित्र में देख रहे हैं, यह व्यक्ति दुकान का मालिक है और यहाँ पर कुछ बोरियाँ रखी हुई हैं। इससे कुछ बोरे रखे हुए हैं तो इन बोरों में चीनी भरा हुआ है, शुगर। अब इन चीनी के बोरों को इस व्यक्ति ने एक बोरा जो है 3,000 रुपये में ख़रीदा, और 3,000 में एक बोरा ख़रीदा और एक बोरा को उसने बाजार में 3,500 रुपये में बेच दिया। तो जब यह 3,500 रुपये बेच दिया तो इसको लाभ हुआ या हानि? सीधे भाषा में इसको समझ जाएंगे कि इसको लाभ हुआ, और कितना का लाभ हुआ भी बताया जा सकता है कि इसको जो है 500 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं हर एक विज्ञान के, जैसे मैथमेटिकल साइंस है। साइंस क्या होता है, किसी चीज़ को अध्ययन करने के लिए हमने एक क्रमबद्धता बनाई है समझने के लिए, तो उसकी भाषा होती है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल साइंस की जो भाषा है उसके अनुसार जब वो ख़रीदा 3,500, उसको क्रय मूल्य कहा जाता है, और बेचा उसको तो विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो उसको जो लाभ हुआ उसको कहा जाता है प्रॉफिट, या हिंदी में लाभ, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो क्रय मूल्य था 3,500 रुपये, और क्रय मूल्य था 3,000 रुपये, और विक्रय मूल्य 3,500 रुपया। विक्रय मूल्य 3,500 रुपया था, यानी उसने ख़रीदा 3,000 में, बेच दिया 3,500 में, उसको लाभ हुआ 500 रुपये का। इसको समझते हैं कि इसको लाभ जो हुआ है कितना का लाभ हुआ है, 500 रुपये का। लेकिन 500 रुपये का में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 रुपया पर, अगर 3,000 रुपया पर उसको 500 रुपया का लाभ होता है तो 3,000 पर 500 का लाभ होता है तो 1,000 पर कितना का लाभ होगा, या 1,500 पर कितना का लाभ होगा? 1,500 पर उसका आधा का लाभ होगा, 1,500 पर उसका आधा यानी 250 का लाभ होगा। अब 250 का लाभ होगा तो 750 का अगर वो ख़रीदा होता तो कितना का लाभ होता, 125 रुपये का लाभ होता। अब और नीचे आते हैं, 3,750 का यानी हो जाएगा 375 का अगर वो बेचा तो उसको कितना का लाभ होगा, तो 125 का आधा करते जाइए तो ये हो जाएगा 62.5 रुपये का लाभ होगा। तो हम आ गए 62.5 पर। अब जो है 100 रुपये पर उसको कितने का लाभ होगा ये समझना है। तो 100 रुपये आप इस तरह से देखेंगे तो 500 में सीधे रूप में कर सकते हैं, 500 जो लाभ हुआ है और कितना का ख़रीदा है 3,000 में, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 500 और 3,000 यानी 5/30 हो जाएगा, 2 शून्य कट जाएगा, तो दिस बिकम्स 5/30 और 100 यानी 500/30, 1 शून्य से कट जाएगा तो 50/30 यानी 3 का 50 में भाग देने पर 16.3% यानी 100 में उसको 16.3% का लाभ, मैंने 100 रुपया में उसको 16.33 रुपया का जो लाभ होगा। तो इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। सिंपल में अगर सोचा जाए तो किसी को 500 रुपया ख़रीदने पर अगर 100 रुपया का लाभ होता है तो, या 400 रुपया का ख़रीदते हैं और वो 500 में बेच देते हैं तो 100 रुपया का लाभ होता है, तो 100 रुपया का ख़रीदेंगे तो कितना 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 का लाभ होगा।
तो उसको चार भागों में बांट देंगे तो 25 रुपये का लाभ होगा। तो 100 रुपये पर उसको 25 रुपये का लाभ होता है, यानी उसको 25% का लाभ होता है। दिस इज द वे वी कैलकुलेट द परसेंटेज। लेट अस गो फॉर द रीकैप। इफ समथिंग इज परचेस्ड, something purchased we say it as a cost price, and when it is sold it is called the sold price. The profit is always calculated on the basis of cost price. For example, I have given that if item is purchased in 400 rupees and sold in 500 rupees, we get 100 rupees profit. If this profit is calculated in 100, we get 25 rupees. It means we are getting 25 rupees. 25%, 25 rupees in 100. Thank you. Thank you for being with me. Thank you very much.